अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज खंडवा दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा दौरे पर आज रहने वाले हैं और इस दौरान 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं प्रदेश के 32 जिलों के भवनों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिका का भी लोकार्पण किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। बालिकाओं को 21 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि का भी वितरण यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का खंडवा दौरा है और इस दौरान 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। प्रदेश के 32 जिलों के भवनों का लोकार्पण करेंगे। 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिका का भी लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सोमवार को यानी कि आज प्रदेश को बड़ी सौगात यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। खातों में राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 सितंबर यानी कि आज खंडवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिका का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगात भी आज देने वाले हैं। सीएम शिवराज 22 जिलों के 10,000 गंभीर कुपोषण से सामान्य पोषण स्तर में आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 25,000 गर्भवती और धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का भी वितरण करेंगे। प्रदेश में शासकीय भवनों किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 42,000 पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर गांव के अन्य स्थानों में 21,000 पोषण वाटिका तैयार की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत जी का रुख करेंगे। दुष्यंत जी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का खंडवा का दौरा है आज और इस दौरान कई उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण, साथ ही जो है 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिका का लोकार्पण भी करने वाले। क्या कुछ आज का उनका पूरा शेड्यूल, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले, क्योंकि प्रदेशवासियों को कई सौगात भी यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी जाएंगी। अब बिल्कुल देखिए, काफी व्यस्तताएं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हैं। अगर बात की जाए सुबह से ही, तो 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद वो जो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन है अपना राज्यसभा का जो नामांकन दाखिल करेंगे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में मौजूद रहेंगे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए इस पूरे व्यस्तता वाले समय की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले के दौरे पर भी रहेंगे और खंडवा से ही प्रदेश भर के 52 जिलों के जो 103 आंगनबाड़ी हैं उनके भवनों का लोकार्पण जो है वो करने वाले हैं। बड़ी एक लंबे समय के बाद, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो आंगनबाड़ियों का निर्माण किया गया उन आंगनबाड़ियों को अभी भवन नहीं मिल पाए थे, तो ऐसे में अब भवन का लोकार्पण जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। साथ ही साथ एक बड़ी फहरिस्त जो है वो कार्यक्रमों की है। इसके दौरान अगर पूरी बात की जाए पूरे कार्यक्रम की, तो कहीं ना कहीं 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का लोकार्पण तो होगा ही, साथ ही साथ 52 जिलों के 10,000 से ज्यादा जो पोषण वाटिकाएं हैं उनका भी बीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री 22 जिलों के 10,000 से ज्यादा जो गंभीर कुपोषण से सामान्य कुपोषण स्तर पर आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र भी प्रदान करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा काम है, क्योंकि एक कोशिश ये की जा रही थी सरकार की तरफ से कि कुपोषण को जड़ से खत्म किया जाए और धीरे धीरे करके सरकार उसकी ओर बढ़ चली है और यही प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की जाए, तो 25,000 गर्भवती और माताओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 करोड़ की जो
राशि है, सहायता राशि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वितरित करने वाले हैं। इसके साथ में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के जो छात्राएं होंगी उनको 75,000 से ऐसी ज्यादा छात्राएं हैं जिनको लेकर राशि का वितरण किया जाना है। छात्रवृत्ति जो है वो 21 करोड़ की छात्रवृत्ति भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके खाते में हस्तांतरित करने वाले हैं। तो ऐसे में अब लगातार ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना काल तो लगातार जारी है ही, लगातार संगठनों के काम तो लगातार चल ही रहे, ऐसे में अब जो योजनाएं अधर में लटकी हुई थी उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसका प्रयास भी सरकार कर रही है। और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हर उस वर्ग को जो अब तक लगातार परेशान था क्योंकि अब तक ना तो कॉलेज खुल रहे थे ना तो स्कूल खुल रहे थे, ऐसे में जब अब स्कूल और कॉलेज दोनों खुल गए हैं तो स्कूल में जो छात्रवृत्ति है उसका वितरण किस तरीके से किया जाए तो अब वो भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अब प्रयास यही है सरकार के कि हर उस स्तर के जो छात्र हो चाहे बेरोजगार हो या हर एक व्यक्ति हो उसको कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाई जाए ताकि उसका जीवन यापन है वो चल सके। जी पूनम, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल यहाँ पर हर व्यक्ति को सहायता पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाते रहे हैं, चाहे हम जितने भी लाभार्थी हितग्राहियों की बात की जाए या फिर जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तमाम जो चीजें हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही जो लाभार्थी हितग्राही हैं, जो गरीब वर्ग है, सभी को साधने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, सभी के लिए लगातार प्रयासरत है। कई योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है और आज भी इसी कड़ी में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का खंडवा दौरा है वहां पर कई सौगातें देने वाले हैं, प्रदेशवासियों को तमाम सौगातें यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी जाएंगी।